हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खाने में अगर सब्जी का स्वाद लाजवाब हो तो खाने का मज़ा भी दोगुना बढ़ जाता है। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ आलू भिंडी की सूखी सब्जी की रेसिपी, जो बनाने में है बिल्कुल आसान और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है ये। अगर आप इस तरह से आलू भिंडी की सब्जी एक बार बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसे लंच, डिनर या टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आलू भिंडी की सूखी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद 2 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है। 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम क्रैक होने तक पका लेंगे। तो मेथी और जीरा अच्छे से क्रैक हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देते हैं। लहसुन का कलर चेंज हो गया है तो अब हम बारीक कूटा हुआ अदरक ऐड कर देते हैं। इसे भी कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं और इसे भी भून लेंगे। प्याज भून गया है तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को धो करके छील करके और छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इसे भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आलू अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे। सभी चीज़ें भून गई हैं तो अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी को धो करके पोंछ करके छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब इसको भी भून लेते हैं और इसे ढक करके हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है तो एक बार फिर से इसे चला लेंगे और इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही चटपटी सी सब्जी बनके तैयार होने वाली है तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मिक्स कर देंगे इसे हम और मीडियम फ्लेम पर इसे ढक करके हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं, चलिए अब हम सब्जी को देख लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। आलू को भी चेक कर लेते हैं, आलू भी सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं। आप इसे पूरी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।